आर या पार, जिंदगी की तरह कीमती और नाजुक दांव है, तुम कर सकती हो। हाँ, कोशिश तो रहेगा अनवर। अब इसे यकीनी होना चाहिए, हमारा बच्चा अकेला तन्हा मुल्क से बाहर चला गया। मेरा बच्चा पहुंच गया होगा ना अनवर? हाँ, उसे भेजकर सारे जहाज जला दिए मैंने। दो दिन में? दो रातें और दो दिन। हाँ। और ये मुमकिन है सारा, इसे यकीनी बना दो। तो क्या आज हम निकल सकते हैं ना? हेरोइन के बगैर? हाँ। उसके बगैर जाना अपने आप को अपाहिज बनाना है। तुम उसे जज्बाती कर दो, बिजी कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। तैयारी के बगैर जाओगी? हाँ, बच्चा गुम हो गया ना मेरा, समझो। जी बीबी। ठीक है ठीक है, पहुंच रहा हूं। अच्छा, तो ये तुम हो? सारा, मैं जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। काश मेरे पास वक्त होता है हैरत का इजहार करने के लिए। खैर, कोई बात तो कहो, मुझे जरा जल्दी है मेरे आने तक। हाँ हाँ, अब तुम्हें फुर्सत कहाँ, पूछा तक नहीं कि हुआ क्या मुझे। क्या हुआ? बच्चा गुम हो गया मेरा। पर तुम ये कैफियत कहाँ समझोगे, सांस रुकती भी नहीं, आती भी नहीं। नाकाबंदी करवा दीजिए वायरलेस के ऊपर, बच्चा मिल जाना चाहिए। राइट सर। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। तुम्हें इस तरह अचानक मिल जाने पर हैरत नहीं हुई? हैरत भी हुई और मुसर्रत भी, लेकिन इजहार का वक्त नहीं है मेरे पास। कभी तड़पा करते थे मेरे लिए, रोया करते थे, सारा। इस उम्र में इन बातों के लिए न मेरे पास फुर्सत है न होनी चाहिए। तुम्हें मेरे दुख का दुख भी नहीं हुआ? जो तुम कहना चाह रही हो और नहीं कह पा रही हो ना, वो कहो। बच्चे की तलाश में तुम्हें खुद जाना चाहिए। मेरी माँ सख्त अजियत में है, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसे देखने जा सकूं। जानबूझकर गुरेज कर रहे हो तुम। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा, मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। हाँ मैम, लॉ से टेलीफोन आया है डॉक्टर निसार साहब। कोई मैसेज?
लाहौर आने को कहा सर? जाफर को बुला। राइट सर। जी सर। जाफर, वो औरत तुम्हें याद है ना जो उस दिन आई थी जिसका बच्चा गुम हो गया था? जी हाँ, मैं समझ गया सर। तुम्हें पता है ना कि उसका बच्चा गुम नहीं हुआ था? नहीं सर। अनवर खान की फाइल कहाँ है? अनवर खान सर, इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है। हैरत है। मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ सर। क्या हुआ, किस लिए? था क्या हूँ सर, ये रोज रोज के छापे, काम की भी कोई हद होती है। जाफर हुसैन, इस बात की हमें तनख्वाह मिलती है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना यह हमारे फ़राइज़ में शामिल है। फ़राइज़ क्या सिर्फ हमारे लिए हैं सर? हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, कोई रोबोट तो नहीं है हम। क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? हमारे भी बच्चे हैं सर, उनके लिए तालीम, गाड़ी, घर, आसाइशें, सभी कुछ चाहिए। उनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, नन्नी नन्नी खुशियां हैं, दवा दारू, तसल्ली, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ उनको भी चाहिए सर। मैं कब मुखालिफ हूँ इनका? आप ही तो हैं सर। इस कड़ी धूप के सफर में हमें क्या मिलता है, क्या फायदा ऐसे अमन का जिसके लिए फाके बर्दाश्त करना पड़े, जो मजबूरियां जगा दे हमारी। सर, क्या क्या हम सिर्फ सिसकियां जमा करने के लिए निकले हैं? सर, आपने तो हमारे लिए कोई एक दरवाजा भी नहीं खुला रखा। एक दरवाजा तो खुला रखते थे सर। वो नजात का दरवाजा नहीं है। सारे स्टेशन को सिर्फ 2 रुपए माहवार की स्टेशनरी। बस कुछ बातें तुम्हारी दुरुस्त भी हैं, लेकिन रात को घर जाकर अपने जमीर के आईने में ये सवाल जरूर पूछना, और वहां से जो जवाब मिले याद रखना कि वही सच है, वही हक है, वही अदल है और सच्चाई है। सिर्फ उसी पे कान धरना। क्या खैर है तुम्हारा, छुट्टी करनी है या काम करना है? ठीक है सर, ऑल राइट, गुड। ये देखिए नक्शा, ये जगह देखा है आप लोग? जी सर। मेरी तहकीकात ये कहती हैं कि ये हेड ऑफिस है, तमाम सिलसिले इधर से इधर से इधर से आके यहीं ख़त्म होते हैं और यहीं से शुरू होते हैं। मेरे ख्याल में सर ये बहुत पेचीदा सिलसिला है, और आम आदमी, मैं तुम्हें आम आदमी नहीं समझता। ये एक जाती सा मसला है सर, मेरा ख्याल है सर। जाती मसला? जाफर, तुम इसे जाती मसला कह रहे हो? हवा में जहर घुल रहा है हर तरफ, तुम कहते हो कि ये जाती मसला है। बुलाओ उसको। आइए माजी। देखो इसे जाफर हुसैन, गौर से देखो इस औरत को। इस जैसी कितनी माएं हैं, कितनी माएं हैं जो अपने बेटों की तस्वीरें अपने गलों से लगाए, सिसकियां भरती, डगमगाती इस मुल्क की सड़कों पर है। उनके हाथ बहुत लंबे हैं सर।
اصل تو نہیں ہے تم، لیکن سمجھ نہیں آتا تمہیں کیا ہو جاتا ہے۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر تیسرا شخص ان کا مخبر ہے، ایجنٹ ہے یا گاہک ہے۔ اسی گاہک کے ذریعے میں ان تک پہنچا ہوں، ان کے ہیڈ آفس تک۔ بھیجیے ان کو۔ آئیے بھائی۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ یہ زہر ان ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے جنہوں نے کل ہماری تاریخ لکھنی ہے۔ ایک چٹکی، ایک چٹکی دے دیجئے، بس ایک ہی پوری۔ مر جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ مر ہی تو چکی ہو۔ نہیں نہیں، میں مری تو میرا بچہ بھی مر جائے گا۔ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میاں ہے تمہارا؟ ایک پڑیا، بس ایک پڑیا دے دیجیے۔ کب سے کر رہی ہو نشہ ہیروئن؟ چھ ماہ سے۔ کیوں پیتی ہو؟ بس ایک پڑیا دے دیجیے۔ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ منہ سے خون آنے لگتا ہے، ٹکرے مارنے کو جی جاتا ہے، مر جانے کو جی جاتا ہے۔ تم اسے زندگی کہتے ہو؟ بچے کے لیے، صرف جینے کے لیے پیتی ہوں۔ اگر آپ میرے بچے کو ماں تحفظ دے سکتے ہیں تو مجھے زہر دے دیجیے۔ اس سے بڑا زہر اور کیا ہوگا؟ زہر ہی تو ہے۔ 18 گھنٹے کام کرتی ہوں پہلے بچے کے لیے، اب ہیروئن کے لیے۔ 18 گھنٹے کی کمائی چند سیکنڈوں میں جلتی اور ہڈیوں کو جلاتی ہے۔ بس ایک پڑیا دے دیجیے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، دیکھ لیا آپ لوگوں نے، میں اسی کے ذریعے اس ہیڈ آفس تک پہنچ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک معمولی سے فائدے کے لیے۔ معمولی سے فائدہ سر؟ خاموش رہنے کی بھی کوئی ایک قیمت ہوتی ہے سر، تاکہ زندگی بھر کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو جعفر حسین کہ میں جاب تنخواہ کے لیے نہیں کرتا، ایک مقصد کے لیے کرتا ہوں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا سر۔ خیال رکھو اور یاد رکھو جعفر حسین، کہ اگر کسی دن تمہارا بیٹا اگر اس طرح جسم نوشتہ دیواروں سے سر ٹکراتا اسی جگہ ہمارے سامنے پہنچے، کیا کہو گے؟ لاکھوں کا یہ سودا سستا پڑا یا مہنگا؟ یاد رکھیے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی چوکھٹ کو خون سے بچانا ہے۔ ہیروئن کا خطرہ اس عہد کا سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہماری نسلوں کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یا تو ہم اسے قبول کر لیں اور یا اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ ہلو، سر ہاں جعفر حسین، سایہ میرے سر سے ٹلک گیا۔ سر آپ فوراً لاہور چلے جائیں۔ ہاں سر، آپریشن کل بھی ہو سکتا ہے سر، آپ فکر نہ کریں۔
आप लोगों का, लेकिन ये अहम है, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा आए या ना आए। कल शाम 9 बजे से 9:25 तक मैं यहाँ आऊंगा। अगर आप लोग फायर की आवाज सुने तो फौरन आ जाएं, और 9:30 बजे अगर फायर की आवाज न सुने तो भी। राइट, थैंक यू। ओके सर, एंड गुड लक। ऐसा ही होगा सर। ये जानते हुए भी कि हेरोइन जहर है, ये जाने लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि पीने वाले भी और बेचने वाले भी 100 साल की जिंदगी एक दिन में गुजारना चाहते हैं, लेकिन याद रखो ये लानत बहुत जल्द मर जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मुजरिम बाकी है और कौन? तुम जानती हो उसे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अनवर खान। मसूद रहमान, 1 करोड़ का लफ्ज तुमने सुना तो होगा, देखा ना होगा। उसकी ताकत, उसकी लज्जत दुनिया की तमाम नेमतों से अलग है। ओह, ये तहय्युर जिससे तुम्हारी आंखें फट रही है ना, बेनियाजी इत्मीनान और फख्र में बदल जाएगा। शु हमारी इज्जत इसी में है मसूद रहमान, के हम एक दूसरे के दोस्त रहे। तुम्हारी आन और हमारी अना इसी में है, इसी में। देर न करो सारा, बुलाओ अनवर खान को। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो शदीद? सारा, कोई कमजोर लम्हा मेरे इस इरादे को बदल नहीं सकता। तुम्हें चाहिए अनवर खान को फौरन। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैं बेहतर जानती हूँ। वो मेरा शौहर है मसूद, और तुम, खैर छोड़ इस बात को, छोड़। जरा गौर करो, अगर एक दिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना खून अपनी रगों में इस अंधेरे को उतारे, हेरोइन के जहर को चाटे, तो फिर बस बस मसूद रहमान, इतना आगे मत बढ़ो। अगर सारे शहर के गुनाह एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी तुम्हारे जरायम और गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। तुम जज्बाती हो रहे हो, बहुत ज्यादा। हैसियत बदल मसूद। देखो ये इतना है कि ना तो तुम गिन सकते हो और ना सोच सकते हो। बुलंदी पे आके देखो मसूद रहमान, कैसा मंजर है। बुलंदी कहती हूँ उसे या पाताल? नहीं सारा, जितना गिर चुकी हो इसे ज्यादा गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। बस बस मसूद, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जम जाओ जहां पे खड़े हो, बैठो। एक मामूली पुलिस ऑफिसर ही निकले ना आखिर, मोहब्बत में नाकामी के दाग को धोने के और भी कई रास्ते थे मसूद। कुछ बातें अदालत के लिए भी बचा रखो। अदालत? कैसी अदालत? जब तुम्हें रिहाई मिलेगी ना, तो हम आसमान की वसतों में परवास कर रहे होंगे। चाहूं तो तुम्हें गोली से उड़ा दूं, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम सिर्फ आवाज सुन लो और समझ लो कि ये गोली तुम्हारे सीने के आर पार भी हो सकती थी। Hands up, ला। तुम ये
समझ रही हो कि अनवर खान को रुसवा करके तुमने फतेह पा ली है, मगर नहीं नहीं, समझ लो मसूद कि इज्जत और बदनामी महज दो लफ्ज हैं, और इन लफ्जों की इस दुनिया में ना तो कोई हैसियत है और ना अहमियत। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ सारा कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे वसीले से मिली। थैंक यू। आइए चलिए। जाफर, इंक्वायरी का फैसला आपको तहरीरी तौर पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।